इसके एंजॉयमेंट के लिए हम यहाँ पर आए स्पेशली। बट ये खाना बहुत खराब है भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ। इस मॉल से तो बहुत ज्यादा हैं शाली जी। इसका वो देखते हैं कि ये डूबती तो नहीं ना अंदर, एंजॉय कर लेगी। So welcome back to the new vlog guys, सबको सलाम नमस्ते एंड सत श्री अकाल। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो एक नया दिन और एक नए व्लॉग के साथ। तो गाइज आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है भैया और हम तो चलो झेल रहे हैं। अभी एसी की सर्विस कराने का कोई प्लान नहीं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि अप्रैल के मिड में जाके कराते हैं। बट जो हमारे अडोरा है, मोस्ट प्रीशियस फैमिली मेम्बर है यार, उसको भाई बहुत गर्मी लग रही है। पूरी रात वो पूरा सोई नहीं है, बेड पे तो बिल्कुल नहीं सोई, फ्लोर पे आके सोई, क्योंकि उसको फ्लोर ठंडा लगता है। तो उसके लिए कोई जुगाड़ करने जा रहे हैं यार। अभी जुगाड़ करने का क्या है वो आप व्लॉग देखे आपको पता चल जाएगा। बस अभी निकल रहे हैं, धूप बहुत ज़्यादा है। और मैं पता क्या सोच रहा हूँ, जो हमारा मैच होने वाला है ना, हमारा मैच है गाइस, बताना भूल गया यार, सॉरी यार, मतलब इतनी सारी चीज़ें माइंड में चल रही थी, मैं मैच का बताना भूल गया। हमारा हो सकता है इधर संडे या मंडे को हमारा मैच है, तो मैच का व्लॉग बनेगा, बहुत मस्ती करने वाले, एंजॉय करने वाले। तो अभी चलते हैं एडोरा का पूल लेने, छोटा सा, और क्योंकि हमारा पूल ऑलरेडी पड़ा हुआ है बट वो 10 फीट का है भाई, उसको पानी भरने में ना 2 घंटे लग जाएंगे और अभी सिर्फ उसमें ही नहाना है। तो हम चलते हैं उसका पूल सर्च करने, और वो जो रोड साइड पे लगे होते हैं ना उनसे ले लेंगे, उनकी भी हेल्प हो जाएगी यार। पता नहीं उनसे कोई लेता है या नहीं लेता, सारे दुकानों पर जाते होंगे, मटेरियल वही होता है, वही सदर से जाके दुकानों पर रख देते हैं और वो वहीं रखते हैं। यहाँ पे शालू रेडी हो चुकी है, इसकी गर्मी का जुगाड़ करते हैं यार। चलो बेटा, चलो अभी करते हैं तेरे लिए, चलो। एंड गाइस हमारी ट्रिप का भी कुछ ऐसे ही चल रहा है यार, मतलब जहाँ हम जाने की सोच रहे थे वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे टेम्परेचर है 38-39, और कहीं और जहाँ ठंडी है थोड़ा सा वहाँ पे जाने का सोच रहे हैं, तो अभी कुछ प्लान बन नहीं पा रहा। तो अभी सब कुछ डाइजी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। और आज यार हमारे यहाँ पे लगी थी मार्केट, इतनी मुश्किलों से हमारी गाड़ी निकली है यार। मैं भी भूल गई बताना, अटोर आज तो तेरा रह जाता बेटा, कैसे घूमती फिर तू। वो तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने उनको कहा टेबल हटा दो यार मैं निकाल लूंगा, वो कह रहे भैया प्लीज हम निकाल लेते हैं। उससे अपना पूरा बना बनाया टेबल हटाया यार, मतलब जो उसने रखे होता सामान। और आज जो है मौसम भी बहुत अच्छा हो चुका है, पर यार इस टाइम लगाया होगा शाम हो गई है, इतना ह्यूमिड है पूछो मत, बारिश का मौसम हो रखा है सच बताऊं तो। आज यहाँ पे सामने भी मार्केट लगी हुई है बट मुझे नहीं लगता यहाँ मिलेगा, इसके लिए ना वहीं चलना पड़ेगा, आधी जो कॉर्नर वाली स्पेस नहीं होती वहीं चलेंगे, अब सदर बाजार सुना जाएंगे इस टाइम पे। कहीं ना कहीं से जुगाड़ करेंगे यार, और भी रास्ते हैं, मैंने कहीं देखा था मुझे याद आ रहा है। चलो, अगर इस रोड पे नहीं मिला तो दूसरे रोड पे चलेंगे। दूर से मुझे कुछ तो चमकता हुआ दिख रहा है, अडोरा पूल आ गया, पूल अडोरा का दिन बन गया, आज नहाएगी मेरी बच्ची खुश होके। तो ये देखो कौन है, चले मिल गया पूल, ढूंढ लिया ना, मुझे पता था कि राइट हैंड साइड में, आ जाओ देखो, चलो ये देख अडोरा क्या लेगी बता, चलो यार देखते हैं। ये कितने का है? ये 650 का है, और ये वाला 950 का, और वो वाला वो सेम ही है। अच्छा वो सेम ही है, देख ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 10 फुट का है और 10 फुट में ये डूब जाएगी, इसलिए छोटा ले रहे हैं इसके लिए। ये ठीक है ना? हाँ ये साइज तो ठीक है, देखो डेप्थ देख लो इसकी डेप्थ, वो कितने फिट के हैं? ये 6-6 फिट के हैं, 6-4-5 ऐसा कुछ होगा। तो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं, वैरायटी भैया ने बता दी है अपने अपने डेप्थ के साइज पे है, और बाकी प्राइस तो भैया वही बता रहे हैं, प्राइस कम कराना पड़ेगा, भैया को बोलना पड़ेगा, सदर बाजार का वास्ता देना पड़ेगा, तभी भैया प्राइस कम करेंगे। तो गाइस मैंने ये वाला पसंद किया है इसके लिए, देख लो, बट देखे सही है नहीं? ये सही लग रहा है, है गुल्लू ठीक है, नहीं नहीं वो फ्रेश पैक देंगे पूरा, उसके साथ पंचर वाला भी देंगे अगर कहीं से फट जाता है। ये अच्छा लगा है, इस पे रखना इसको, इसका वो देखते हैं कि ये डूबती तो नहीं ना अंदर, एंजॉय कर लेगी ये, इससे बड़ा लें इतना काफी है। पता क्या है ये पंचिंग बैग, यस अच्छा ये पंचिंग बैग है ना, ये देख, ओ ओ ये हमारे के लिए नहीं छोटे बच्चों के लिए। यार पसंद तो हमें आ गया था बट भैया फ्रेश ही नहीं दे रहे, बिना फ्रेश तो मैं नहीं लेती, भैया कह रहे हैं ये फ्रेश ही होता है, आप धो लो हाथ मार के साफ कर लो यार, जब हमने पैसे कम नहीं करे। हाँ वो रहा, जब उन्हें पैसे कम नहीं करे तो यार आपको करना चाहिए ना। दिख गया ये रहा, चलो यहाँ पीछे। तो गाइस अब ये डिफरेंट शॉप पे आ चुके हैं, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि भैया के पास वैरायटी भी होगी
और जो साइज हमें चाहिए ना वो भी मिल जाएगा, है ना? ये साइज मिल जाएगा यहाँ पर। चलो डोरा देख, देखें ये दो फुट है, इससे बड़ा ये तो छोटा हो गया यार, ये तो छोटा हो गया। और इससे बड़ा कोई नहीं, इससे बड़ा 400 आता है, वो हमारे पास पैकेट करता है। यार यहाँ पे है तो बटना आंधी आने वाली है, तो सब पैक कर रहे हैं अपना। भाई बार्गेनिंग चल रही है और यहाँ पे मेन बात है कि बारिश है तो लोग पैक कर रहे हैं सब कुछ। देखो मिलता है कि नहीं मिलता, और अब ये एक पसंद आया, देखते हैं अब ये मिलता है कि नहीं मिलता है। आदि देख लिए तुमने, गर्मी आ गई ना इसलिए ये लोग इतना भाव खा रहे हैं, नया पीस देने के लिए तैयार नहीं है। खाना तो अलग बात है, बट एक दे रहा है कि मैं पुराना ही दे दूंगा जो पड़ा हुआ है, थोड़ी सी मिट्टी तो लगी है। दूसरा कह रहा है भाई मेरे पास साइज ही नहीं है, बट जो दूसरे साइज है सेम साइज उसके प्राइस डबल कर दिए। इनको भी तो कमाना है, सोचते कि चलो यार रोड पे खड़े हैं दूसरे बंदे को क्या पता कमा ही लो। अब यार देखते हैं, अगर नहीं मिलता तो फिर अडोरा सॉरी प्लान कैंसिल। होशियारी भी उससे कर रहे हैं जिसने गली गली चप्पा चप्पा छाना हुआ है, यार उसके साथ तो मत करो यार। भाई सब कुछ नहीं मिला था, हम लोग मोमोज खाने आ गए। हाँ यार, और क्या। और वैसे यार ये मोमोज ना बड़े फेमस है, हम लोगों ने एक बार और ट्राई किए थे और उस वीडियो पे बहुत ज्यादा प्यार भी हमें मिला था, तो हमने सोचा कि यार एक बार तो ट्राई कर चुके हैं, दोबारा आते हैं तो वापस आ चुके हैं। यहाँ पे क्या है, एवरग्रीन मोमोज। एवरग्रीन मोमोज, चलो ट्राई करते हैं। तो गाइस एडोरा के लिए पूल तो मिले नहीं यार, हर जगह सर्च कर लिया यार, मतलब एक रोड दो रोड तीन रोड चार पांच रोड सर्च कर लिए, वहाँ पे पूल मिला नहीं, बट नेक्स्ट टाइम जाना पड़ेगा वहाँ से। और अब चलते हैं एवरग्रीन मोमोज। ये हो गया वेज वेज। और तो गाइस मोमोज तो मैंने ले लिए हैं, बट एक काम और करते हैं यार, चलते चलते ना रास्ते में देखते रहता हूँ, अगर फिर मिल जाता है पूल तो मज़ा आ जाएगा यार, क्योंकि ना उसको बहुत गर्मी लग रही है और मैं चाहता हूँ कि वो बहुत इन्जॉय करे यार, और उसको देख कर हम भी इन्जॉय करेंगे। और ये जो मोमोज वाले हैं यहाँ पे भी ज़रूर आना यार आप, एवरग्रीन मोमोज इंद्रपुरम के पास हैं और कमाल के मोमोज हैं यार। मेनली पता क्या है, इनकी जो चटनी का कॉम्बिनेशन है ना वो कमाल है। तो चलते हैं, ये लो भाई आ गए हैं कमाल। यार हम लोग थक हार के घर आ चुके हैं विद मोमोज एंड चाय। गाइस एफर्ट तो पूरा किया था यार, हर जगह जाके देखा था और जहाँ मिल भी रहे थे वहां से मिल नहीं पाया, तो अब एवरग्रीन मोमोज ही खा लेते हैं यार। यार हम लोगों ने चाय वगैरह घर जाके पी ली थी, टाइम वो क्या बोलते हैं चाय ब्रेक हम लोगों ने ले लिया था यार, टी ब्रेक ले लिया था। अब हम लोग जा रहे हैं किसी के इम्पोर्टेंट काम से, काम तो हमारा हो गया और काम इतना लेट हो गया ना हमारा, तो हमें भूख लग गई है। थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट कर लेते हैं यार, थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट भी जरूरी है। फर्स्ट पे चलते हैं, यस फर्स्ट पे चलते हैं, ये तो पहली बार यहाँ से जा रहे हैं, फर्स्ट पे चलते हैं। मुझे तो यार तब से थोड़ा सा फोबिया हो चुका है, एक बार लिफ्ट जो गिरी थी वहाँ पे। ओह नो, वो दूसरा मॉल था भाई, वो पैसिफिक था, पैसिफिक मॉल में ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मॉल से तो बहुत ज्यादा हैं शालू जी, हमने जम के खर्चा कराया बर्गर्स पे, तो देखो आ गए भाई। अब हम शॉपिंग करने आ गए, आज मम्मी से जो है गंदा वाला डांट खाने वाली है मैं और बहन, तेरी वजह से मुझे भी डांट पड़ जाएगी यार। चलो देखते हैं यार यहाँ पे। तो गाइस काम करवा के अब बहुत थक गए थे यार, मैंने सोचा कि यार घर तो खाना बनना ही है, घर की दाल तो खानी है, उससे पहले ना कुछ चटपटा खाया जाए। तो हम आ चुके हैं बर्गर किंग, तो कल KFC आज बर्गर किंग, क्या बात है, लाइफ हो तो ऐसी गाइस। वैसे गाइस एक बात फैक्ट है यार, ये खाना आपको खाने में बहुत टेस्टी लगता है ना, आप 2400 घंटे खा सकते हो, रोज खा सकते हो, 12 महीने खा सकते हो, बट ये खाना बहुत खराब है भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ। जो जितना यूथ है ना मत खाया करो भाई, हम भी रेगुलर नहीं खाते यार, महीनों में 6-6 महीनों में कभी आगे खा लेते हैं, ये आपकी जल्दी से तोन निकाल देगा भाई। अगर आप किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, फिजिकल मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, तो भाई ये बहुत ख़राब है आपके लिए, लेट मी टेल यू, अवॉइड करो इसको भाई, घर की देसी दाल खाओ, घी की चम्मच डाल के। ऑर्डर ले रही है खड़ी होके वो देखो। गाइस लगे हाथों पेट्रोल भी डलवा लेते हैं, क्योंकि अपनी टैंकी तो हमने फिल कर ली है और गाड़ी की फिल कर लेते हैं, क्योंकि हमारा कुछ नहीं पता कि कब कहाँ कैसे हम निकल जाएं, तो पेट्रोल फिल हो रहा है।